नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पाक को सबक सिखाए भारत, तोड़े संघर्ष विराम। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान पर बरसते हुए शिवसेना ने बुधवार को कहा कि पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए यदि भारत भी ऐसा ही करे तो गलत नहीं होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि 2013 में पाकिस्तान ने 347 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और 2014 में यह संख्या बढ़कर 562 हो गई। सीमा पार से सटे इलाकों में रह रहे कम से कम 32,000 लोगों को कहीं और आश्रय की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ा। बिहार पुलिस के डीएसपी ने दिया केजरीवाल को झटका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एसीबी में बिहार पुलिस के अधिकारी शामिल करने की मुहिम को उस समय झटका लगा जब बिहार के डीएसपी संजय भारती ने एसीबी में शामिल होने से इनकार कर दिया। संजय ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने बिहार से 6 पुलिस अफसरों को बुलाया था, जिनमें से 5 पुलिस अफसरों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया है। दूसरी ओर उपराज्यपाल के कार्यालय ने एक तरह से बिहार के 5 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति को खारिज कर दिया और इस बात की पुष्टि की कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा उनके प्रत्यक्ष अधिकार और नियंत्रण में है। अहमदाबाद में 49 देशी बम बरामद। गुजरात की व्यावसायिक राजधानी अहमदाबाद में अपराध शाखा ने नारोल विशाला रोड पर वाहनों की जांच के दौरान बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 49 देशी बम बरामद किए हैं। बड़ी संख्या में बम मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे भारी भीड़ वाले बड़े धार्मिक आयोजन के पहले हुई विस्फोटकों की इस बरामदगी के बाद पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। राष्ट्रपति ओबामा ने किए यूएस फ्रीडम एक्ट पर हस्ताक्षर। ऐतिहासिक यूएसए फ्रीडम एक्ट संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे कानून का रूप दे दिया है। ये कानून खुफिया एजेंसियों को एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए दबाव बनाता है जिसके तहत टेलीफोनों से जुड़ा व्यापक डाटा सरकार के पास नहीं बल्कि दूर संचार कंपनियों के पास रहेगा। ओबामा ने इस विधेयक पर मंगलवार देर रात हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही 9/11 हमले के बाद अमेरिका में बने सबसे विवादास्पद निगरानी कार्यक्रम को पलट दिया गया। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।